फ्रेंड्स वेलकम बैक इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। प्रश्नोत्तर कर रहे थे हम पाठ 14 के, आगे के रिक्त स्थान देखते हैं, रिक्त स्थान कर लेते हैं। कैसे चुनोगी? इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्तों को इस्तेमाल करोगे? आपको नीचे दिए हुए हैं वाक्य कि इन मौकों पर आप कौन कौन से पेड़ों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे मेहमान को खाना खिलाने के लिए। तो मेहमान को खाना खिलाने के लिए हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उन लोगों ने, वो जो तीन भाई थे, उन्होंने केले के पत्तों का इस्तेमाल किया था खाना खाने के लिए। तो केले के जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो हम भी किसका इस्तेमाल करेंगे? केले के पत्तों का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इसमें आप भर देंगे केले के पत्तों का। दूसरा प्रश्न है, दूसरा वाक्य है, बारिश में भीगते समय छतरी की तरह किन पत्तों का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल सही, केले के पत्तों का। केले के पत्ते ही काफ़ी बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, तो उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे हम छाती की तरह बारिश में भीगने से बचने के लिए। ओके, नेक्स्ट है सीटी बजाने के लिए। ये आप खुद भरेंगे, सीटी बजाने के लिए कौन से पत्तों का इस्तेमाल करेंगे? रंग बनाने के लिए किस पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे? ओके स्टूडेंट्स, गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए, कौन से पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे? आप खुद इनको भरेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है, क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगे? ये दोनों के उत्तर आपको देने हैं। जब तुम्हें पेड़, अगर तुम्हें कोई पेड़ लगाना हो तो तुम क्यों, कौन सा पेड़ लगाओगे? तुम्हें कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा उपयोगी लगता है जो तुम लगाओगे? मैं अपने बगीचे में, यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको भरना है कि मैं नीम का पेड़ लगाऊंगा, या आम का लगाऊंगा, या बरगद का लगाऊंगा, पीपल का लगाऊंगा, नारियल का लगाऊंगा, कौन सा पेड़ आपको लगाना है? और पेड़ लगाऊंगी क्योंकि, क्यों लगाओगे वो पेड़, वो भी साथ में भरना है। क्योंकि उसमें मीठे फल आते हैं, या उससे दवाइयाँ बनती है उस पेड़ से, या उससे गोंद बनता है, या कलर बनता है, कागज़ बनाने काम आता है, किस तरह, क्या उपयोग उस पेड़ का है, वो भी आपको साथ में इसमें भरना है। तो एक वाक्य में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ये आप खुद ही करेंगे। इसमें आपके बुक के अंदर जो पेज नंबर 126 है, पृष्ठ संख्या 126, उस पर 127 वाला भी आप करना, उसमें भी रिक्त स्थान ही है। पेज नंबर 127 बहुत ही आसान है, और खुद करेंगे तो सोचेंगे, थोड़ा दिमाग चलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।